जनपद चमोली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में रिफ्रेशर ट्रेनिंग आयोजित की गई है। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई है और समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया है। इस मौके पर बाल अपराध विषय पर स्लाइड शो के जरिए जानकारी दी गई है। प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि कार्यक्रम में इसके अलावा पैरालीगल स्वयंसेवियों यानी कि पीएलबी की मासिक बैठक भी की गई है, जिसमें स्वयंसेवियों को कानूनी साक्षरता दिवस और शिविर की जानकारी दी गई है और जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर के लोगों तक पहुंचाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पीएलबी के स्वयंसेवक ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी साक्षरता अभियान चला रहे हैं, साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारियां दे रहे हैं। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। दो प्रोग्राम्स थे, पहला भाग था हमारा जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग थी, इसमें हमारी जो स्पेशल पुलिस जुबिनल यूनिट की है, हमारे सीएफडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं और हमारे जेजेबी के जो सदस्य हैं और जितने भी अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हमें रिफ्रेशर ट्रेनिंग देनी थी इन चार बिंदुओं पर। तो जिसमें हमारे दो मुख्य रिसोर्स पर्सन थे, एक हमारे जो पैनल लॉयर हैं मिस्टर खंडवाल जी और दूसरे हमारे प्रोबेशन अधिकारी मिस्टर प्रदीप सिंह जी। मेरा नोटियाल और मैं कड़पियार ब्लॉक तहसील से, और यहाँ पे हम लोगों का आज जो मासिक बैठक है वो 2 तारीख को तय हुई थी और हमारी मैम है यहाँ पे जो सचिव मैम है, इनके द्वारा हमें जो एक्शन प्लान मिलता है जिला विधिक के द्वारा, तो हमें बताया गया है कि इस माह में आपने क्या काम करना है। तो हमें डोर टू डोर कैंपेन करना है, जिसमें हमने मानसिक दिव्यांग और